Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, last week हमने हमारी क्लास में हमारा संस्कृत की टेक्सटबुक से 15 चैप्टर षड ऋतव कंप्लीट कर लिया था. षड ऋतव का मतलब आप जानते हो ना, छह ऋतुएं हमारी सिक्स सीजन जो होती है पूरे साल की, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, है ना. तो वो कंप्लीट हो गया था और उसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आज आपको सेंड करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीक जो है हमने शर्तों का वीडियोस ओनली देखा था. उसके बिफोर जो क्रीड़ा महोत्सव और सुभाषितादि की एक्सरसाइज रिमेनिंग थी उसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया था. तो होमवर्क ज़्यादा ना होने की वजह से मैंने आपको दो लेसन के पीडीएफ सेंड किए थे, क्योंकि कुछ बच्चों के रिमेनिंग थे क्रीड़ा महोत्सव के लिए. तो मैंने उस दिन आपको षड ऋतव का जो है एक्सरसाइज नहीं भेजी थी होमवर्क के लिए. सो टुडे आई विल सेंड षड ऋतव एक्सरसाइज. ऑल एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगी और आपकी कौन सी नोटबुक में करनी है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी. ओके, तो आज षड ऋतव की एक्सरसाइज के साथ साथ बेटा मैं आपको एक और चीज सेंड करने वाली हूँ, जो कि है पुनरावृत्ति. दिस इज द रिविजन एक्सरसाइज फ्रॉम लेसन 13-15. जो हमारे ईयरली में लेसन आने वाले हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया 13 चैप्टर से, ठीक है. 13 चैप्टर क्रीड़ा महोत्सव, 14 सुभाषित आदि, 15 षड ऋतव, ठीक है. षड ऋतव हमने पढ़ लिया है, तो ये तीनों चैप्टर की जो रिविजन एक्सरसाइज है वो आपकी इस पुनरावृत्ति में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है. तो ये जो रिविजन एक्सरसाइज है ये सब पीछे के बेस पे ही डिपेंड है. तो मैं आपको इसको फील करके थोड़ी देर में षड ऋतव के पीडीएफ के साथ साथ इसका भी पीडीएफ सेंड करूंगी, जो आप फील कर लेना और आपके जो है होमवर्क नोटबुक में आप कर लेना. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर ईयरली एग्जाम, सो प्लीज डोंट स्किप. आप फील कर लेना और जो नोटबुक में करने लायक है मैं मेंशन कर लूंगी नीचे. ओके बेटा, तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट न करके सिर्फ इस रिविजन एक्सरसाइज को ही करने वाले हैं, ठीक है. तो लाइक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको. जैसे आपको फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसमें जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि अध्य विद्यालय भवति, तो ब्लैंक दिया हुआ है. इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपके, क्रीड़ा महोत्सव. क्या आ जाएगा, क्रीड़ा महोत्सव. मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगी, उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी इसका पूरा फिल करके. ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड है वो क्या आपका, जैसे कि चतवारी तस्य. अब ये चतवारी तस्य कौन सी लेसन से है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था सुभाषितादि से लाया हुआ, ठीक है. तो चतवारी तस्य आयु विद्या यशो बलम, कि चार गुण बढ़ते हैं किसके, जो बड़ों की सेवा करते हैं, जो बड़ों का रेस्पेक्ट करते हैं, उनके चार गुण निरंतर जो है वो बढ़ते रहते हैं. तो आपको इस ब्लैंक में क्या लिखना है, चतवारी तस्य वर्धन्ते डैश आयु वो आपको फील करना है. इतना तो आप कर सकते हो, यू कैन ट्राई. अगर आपसे नहीं होता है देन आई विल सेंड अ पिक, ओके, फील करके सेंड कर दूंगी. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको मैंने बस दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आपको फील करना. अब नीचे जो है आपके विपरीतार्थक शब्द है, अपोजिट है. अपोजिट जो है बेटा देखो, सत्यम, सत्यम का मतलब होता है बहुत ज्यादा सर्दी. तो सत्यम का अपोजिट क्या होगा, दुखम, उष्णता, अनृतम, शीत, शियंते या शत्रु. अब देखो, हर्ष, सबसे पहले हम उसको फील करने की कोशिश करते हैं जो हमें आता है, आता है मतलब हम श्योर होते हैं, ठीक है. तो देखो, ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, शीत, है ना. तो शैत्यम का क्या हो जाएगा, उष्णता. शैत्यम में क्या हो जाएगा, उष्णता, ठीक है. सर्दी और फिर गर्मी, गर्मी मतलब एक उष्णता, मतलब एक जो हमको फील होता है ना, ताप फील होता है ना, वो वाला उष्णता, ठीक है. हर्षम का क्या हो जाएगा, दुखम. हर्ष का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश, उसका क्या हो जाएगा, दुखम, ठीक है. हर्ष का मतलब होता है ना खुशी होती है हमको, हर किसी भी चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हम, तो उसके ही जस्ट अपोजिट हमको बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ओके. तो हर्षम का हो जाएगा आपके दुखम. ग्रीष्म का हो जाएगा आपके सी, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी. नेक्स्ट सत्यम का तो आप सब जानते हो, इजीली आप इसमें से
निकाल सकते हो सत्यम का अनंतम। देखो सत्यम का अनंतम यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है आपके लिए बिकॉज अनंतम वर्ड जो है आपने पहले सुना हुआ नहीं होता। आप हिंदी में सत्य का क्या करते हो, सिर्फ अ लगाते हो असत्यम, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। अनंतम का मतलब क्या होता है, झूठ। तो सत्यम का अनंतम। मित्रम का क्या हो जाएगा, शत्रु। और वर्तन्ते का शियंत। मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु। और वर्तन्ते शियंत, शियंत मतलब घटना। वर्तन्ते का मतलब क्या होता है, ऐसे बढ़ना, बढ़ना है स्थिति। और शियंत का मतलब क्या होता है, ऐसे घटना, उचित घट बढ़ती है, उचित घटती है। तो ये दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, है ना। तो वर्तन्ते का क्या हो जाएगा बेटा, शियंत। अपोजिट तो पूरे मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, यू कैन सी, आप फील कर सकते हो या फिर मैच कर लो आप। देन राइट और वेदर, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब आपको ये बताना है कि एक्सरसाइज करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ओके। तो फर्स्ट जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, क्रीड़ा अध्यापक संकेत देता है। जो क्रीड़ा अध्यापक मतलब जो खेल का जो रेफरी होता है, ठीक है, वो संकेत देता है। देता है नहीं देता है, बिल्कुल देता है, वो देता है तभी हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये आपको 13 चैप्टर क्रीड़ा महोत्सव में बताया भी था कि जो क्रीड़ा का अध्यापक होता है, मीन्स रेफरी जो होता है, वो संकेत देता है तो गेम आगे बढ़ता है। तो इसमें आपको फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, क्रीड़का स्वरक्षति। जो खेल खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी जो खेलने वाले होते हैं, वो खुद की रक्षा करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। बट ये स्व नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा बेटा, स्व। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है आप जैसे मैंने शुभ लिखा तो आप सभी पास करोगे, बट ये करेक्ट नहीं है बिकॉज आपने वर्डिंग को पीछे जाके आप अच्छे से देखना, उसके अंदर लिखा हुआ क्रीड़का स्वरक्षति मतलब खुद की रक्षा करना। खुद रक्षा करता नहीं है, खुद की रक्षा करता है, तो स्वरक्षति अशुद्ध है ये, ओके। नेक्स्ट, विद्यार्थम न चिंतेत, न चिंतेत। विद्या और अर्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल अशुद्ध है, सोचना चाहिए हमको। शक्ति परेशान पर पीड़नाए, शक्ति जो है दूसरों को परेशान करने के लिए प्रयोग में की जाती है, तो बिल्कुल गलत है। शक्ति का प्रयोग हमेशा दूसरों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए, जबकि ये लिखा हुआ है शक्ति परेशान पर पीड़नाए। शक्ति जो होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, बिल्कुल अशुद्ध है ये। शक्ति जो है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। परिवेश मनोहर होती, वातावरण बहुत ही मनोहर होता है, तो बिल्कुल शुद्ध है। क्या है ये, शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध अशुद्ध और शुद्ध, ओके। नाउ नेक्स्ट, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचन। आपको हर एक जो वर्डिंग है उसका पद, उसकी विभक्ति और उसका वचन, उस पद का विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखो बेटा, वैसे तो मैंने आपको बहुत बार विभक्तियां करवा रखी है, तो विभक्तियों को आप अगर जिसे जब भी आप करते हो, आपको इस टाइप से पीछे जो आपके शब्द रूप दे रखे हैं उसको भी आप हेल्प ले सकते हो, उससे मैचिंग कर सकते हो कि ये मैच से डबल मात्रा आ रही है, इसमें डबल मात्रा आ रही है, तो आप उसको लगभग सिमिलर जो वर्ड जहाँ मिलता है आपको, वो वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्रीड़ायाम, क्या है क्रीड़ायाम, तो जैसे ये जो हो जाएगा क्रीड़ायाम, ये हो जाएगा आपके फिर हो जाएगा आपके भानो। तो भानो जो है ना बेटा, ये हो जाएगा आपके पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी का क्या हो जाएगा बेटा, आपके एक वचन, है ना, भानो पंचमी एक वचन। भानो की जैसे गुरु भी होता है, गुरु आ जाए तो आपको भी पंचमी एक वचन, षष्ठी का एक वचन और पंचमी का एक वचन लगभग ओंकारांत में एक से चलता है, इसीलिए ये षष्ठी पंचमी का एक वचन भी लिख सकते हैं और उसको हम षष्ठी का एक वचन भी लिख सकते हैं। देन पशुभ्य, पशुभ्य जो है ये आपकी चतुर्थी का बहुवचन, क्या लिखा है आपको, चतुर्थी बहुवचन, जिसके पीछे भी देखो भय आया है, एक बार ध्यान रखना, भय आता है वो आपकी या तो चतुर्थी या फिर पंचमी, दोनों लिख सकते हो। और होता क्या है, बस बहुवचन, ये फिक्स है, श्योर है, मतलब इसमें कोई
कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर पीछे वर्ब भी आता है देन यू कैन राइट चतुर्थी, यू कैन राइट पंचमी, और बहुवचन ही लिखना है आपको। फिर है पुष्पा नाम, बहुत इजी है पुष्पा नाम, ये भी है षष्ठी का आपके बहुवचन। अब आप बहुत बार ऐसे सोचते हो कि मैम ये यहाँ पे नाम आया षष्ठी का बहुवचन, फिर यहाँ भी षष्ठी का बहुवचन कैसा आया? तो एक्चुअली बेटा क्या होता है ना कि ये शब्द रूप जो होते हैं ना संस्कृत में, इनके रूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अकारान जिसके पीछे अ आता है उसके रूप अलग चलते हैं, आकारान जिसके पीछे आ की मात्रा आती है उसके रूप अलग चलते हैं, इनके रूप क्या होते हैं बदलते रहते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है शब्द रूप में, विभक्तियों को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। बट जहाँ पर श्योरिटी होती है वहाँ मैंने आपको क्लास में बहुत बार बता रखा है, लाइक बेटा आ की मात्रा और ये आ जाए तो आपको चतुर्थी पे जाना है, आ की मात्रा तो आए तो आपको पंचमी पे जाना है, आधा स और ये आए तो आपको षष्ठी पे जाना है, वर्ड के सबसे पीछे वाले वर्ड पर अगर एक ही मात्रा आती है या शु आता है सबसे पीछे देन आपको सप्तमी पे जाना है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बताती रहती हूँ क्लास में, तो जो फिक्स होता है वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार तो क्लास में भी करवा रखा है। जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है वो फील करवा देते हैं, उसको तो लर्न करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, तो लर्न तो करना पड़ता है। ठीक है, फिर रीतो आया। ठीक है, रीतो तो देखो बेटा रीतो जो है ये आपके प्रथमा या द्वितीय, इसका भी देखो रीतो पीछे जिसके डबल मात्रा है या तो उसको प्रथमा का द्विवचन प्रथमा या द्वितीय आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का द्विवचन सेम ही होता है, दोनों का द्विवचन सेम ही होता है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ प्रथमा का द्विवचन। प्रतिभा का यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया द्विवचन। तो ये हो गई आपकी ये विभक्ति वाली एक्सरसाइज। और लास्ट वाली एक्सरसाइज तो आपको हेल्प बॉक्स को फील करके बस ये करना है, तो इसको तो आपको मैं पीडीएफ में जब पिक साइड करूंगी तो उसमें भेज दूंगी। ठीक है बेटा, मैं इसलिए फास्ट नहीं चल रही हूँ ताकि आपको इजीली थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो है आपके ज़्यादा तो चैप्टर बचे नहीं हैं, 16 चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मंडे को, और 18 चैप्टर ये मिस 3 चैप्टर्स ऑलरेडी रिमेनिंग है, इसलिए मैंने आज इस रिवीजन एक्सरसाइज को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके चिल्ड्रंस, तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। रिवीजन एक्सरसाइज आई विल मेक अ पीडीएफ एंड आई विल सेंड टू यू, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन सी द वीडियो एंड फिल इट। ओके, अदरवाइज सी पीडीएफ एंड फिल इट। ओके चिल्ड्रंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद योर न्यू चैप्टर्स प्रार्थना पत्र। टिल देन चिल्ड्रंस बाय बाय, हैव अ गुड डे।